हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सबने अपना रिजल्ट देख लिया है जेई मीन्स मार्च अटैम्प्ट का एंड इट हैज बीन शॉकिंग राइट रिजल्ट हैज बीन आउट शॉकिंग कि इतने हाई स्कोर पे बावजूद भी परसेंटाइल नहीं बन रही है गिवन द फैक्ट दैट द पेपर वाज रियली डिफिकल्ट वी ऑल हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ रैंकिंग में गड़बड़ हुई है नंबर ऑफ अटेंडीज कम थे ऑल दी पीपल हु गॉट देयर वर रियली गुड कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है आइडली वी वुड हैव की एन टी ए को आपने स्कोर कार्ड में आगे से स्कोर भी देना चाहिए बिकॉज राइट right? आप कैलकुलेट करते हैं इतना एफर्ट करते हैं स्कोर भी देना चाहिए और स्कोर के साथ परसेंटाइल देनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए इट लुक्स लाइक ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बट नथिंग कॉन्फिडेंट उसपे फ्रेट करने से ज्यादा जरूरी है समझना कि हुआ क्या है सो हेल्प एस आउट एन अंडरस्टैंडिंग एट वट स्कोर वट परसेंटाइल है स्कोर एन परसेंटाइल दैट यू हैचीव गूगल फॉर्म दैट इज बीन लिंक बिलो जो हमने काम पहले करा था फरवरी चाहते हैं मार्च अटैम्प्ट के लिए सो प्लीज शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स फिल यर एंड फिल द शीट सो दैट वी गेट मोर एंड मोर डेटा इन द मोर एंड मोर डेटा वी है मोर एंड मोर एक्ट इट वुड बी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार आप सिर्फ अपनी ओवरऑल ओवरऑल स्कोर या ना लिखें एक एक बार और एक और स्टेप आगे जाके हेल्प करें समझने में परसेंटाइल और सब्जेक्ट में, में क्या स्कोर बना जिससे क्योंकि अभी एक ऐसा समझ में आ रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी हाई स्कोर गया है जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्कोर की स्क्यूनेस हो गई है स्क्यूनेस मतलब नॉर्मल से अवे सो so, वो समझना बहुत जरूरी है तो इसीलिए Please help us out. Please help yourself by filling the Google form so that we can collect the data for you and we'll come back maybe in the evening or tomorrow morning again with at what score, what percentile was achieved, exact data for the March attempt. God bless. We guys are there with you. A lot of people are with you. Their well wishes are with you. Don't get frightened by this just one result. God bless. Keep working hard.